की फरवरी के बाद से लगातार सलाखों के पीछे रखा गया है। वहीं संजय सिंह की बात करें तो उनको भी लगभग महीने भर से ऊपर हो ही गया है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि ईडी किस तरह से, उन्होंने कुछ दिनों पहले कहा था अपनी पेशी के दौरान ही कोर्ट परिसर में मीडिया के सामने कि मेरा एनकाउंटर हो सकता है, उसके बाद आज जिस तरह से उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल खुलासे करते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर कई रिपोर्ट भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राहुल गांधी ने पेश की है। तो राहुल गांधी के बाद अगर देखा जाता है तो यहाँ पर संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जिन्होंने राज्यसभा नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। इस बार भी देखा गया है कि संजय सिंह की मुसीबत यहां पर बढ़ती नजर आई है। हर बार की तरह जैसे संजय सिंह की अगली पेशी की तारीख दी जाती थी, इस बार भी यहां पर उनकी तारीख जो है 24 नवंबर यहां दे दी गई है। अगली पेशी यहां पर 24 नवंबर को होगी। आपको बता दें कि संजय सिंह यहां शराब नीति मामले में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किए गए थे और उसके बाद 1.5 महीना हो गया है, तब से लेकर अभी तक लगातार उनकी पेशी की तारीख ही मिलती जा रही है। जैसे यहाँ पर तारीख के ऊपर तारीख मिलती है, ऐसे यहाँ पर उनकी पेशी के ऊपर पेशी ही मिलती उनको जा रही है। यहाँ ये उम्मीद आज लगाई जा रही थी कि शायद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को आज रिहाई मिलती नजर आ सकती है, लेकिन यहाँ पर ये इतना आसान नहीं है कि संजय सिंह जेल से इतनी आसानी से बाहर आ जाए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें मनीष सिसोदिया को लेकर, तो मनीष सिसोदिया भी फरवरी के महीने से लेकर अभी तक जेल के अंदर है। हालांकि उन्होंने यहाँ पर एक गुहार लगाई थी कि उनकी पत्नी की तबीयत खराब है और वो 5 दिन के लिए जेल से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन 5 दिन तो नहीं, उनको 1 दिन के लिए, 1 दिन भी यहाँ पर नहीं कहेंगे, कुछ घंटों के लिए उनको बाहर आने की अनुमति दे दी गई है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे कि आखिरकार आम आदमी पार्टी के नेताओं की जो मुश्किल है वो इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर राघव चड्ढा और सतेंद्र जैन, तो उनको भी आज यहाँ पर कोर्ट की तरफ से राहत नहीं मिली है, उनके ऊपर भी यहाँ पर एक केस होता हुआ नजर आया है। दूसरी तरफ सिसोदिया भी फंसे हैं, तीसरी तरफ यहाँ पर संजय सिंह भी फंसे हैं और अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल भी फंस चुके हैं। यहाँ एक तरफ अगर बात करूँ गुजरात हाईकोर्ट से उनको फटकार लगी है और दूसरी तरफ यहाँ शराब नीति घोटाले से तो उनका मामला इस वक्त चल ही रहा है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर अमन जी मौजूद है। अमन जी से हम जानना चाहेंगे, सबसे पहले संजय सिंह को देखा होगा आपने कि आज उनकी यहाँ पर पेशी थी और पेशी उनकी बढ़ा दी गई है, 24 नवंबर को उनकी तारीख यहाँ पर दे दी गई है और दूसरी तरफ उनके ऊपर एक मानहानि का भी मुकदमा दर्ज हो रखा है जिसके लिए कोर्ट ने उनको पंजाब जाने की अनुमति दी है। तो संजय सिंह के ऊपर इतने सारे यहाँ पर मुकदमे दर्ज हैं और संजय सिंह ही नहीं, मैं यहाँ पर कहूंगी लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं पर न जाने कितने मुकदमे यहाँ पर दर्ज हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी के ही नेताओं ने ये सारे आरोप किए हुए हैं यहाँ पर कि लगातार आप देख सकते हैं कि राघव चड्ढा, सतेंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अब केजरीवाल भी, तो क्या आम आदमी पार्टी के नेताओं के अंदर ही सारी कमियां नजर आ रही हैं? देखिए बिल्कुल, आपने जिस तरह का मुद्दा उठाया है बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि दरअसल ये बात लगातार उठ रही है कि क्या विरोधी जो खेमे हैं, विपक्षी जो पार्टियां हैं, उन्हीं के नेता सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं, सारे के सारा अपराध उन्होंने किया है, इसको लेकर ज़रूर आवाज़ें उठती रही हैं और तमाम जो सियासी नेता हैं इसके ऊपर बयानबाजी करते रहे हैं। सिर्फ दिल्ली की बात नहीं, आप वेस्ट बंगाल की बात कर लीजिए, आप झारखंड की बात कर लीजिए, आप जो है राजस्थान की बात कर लीजिए, वहीं पर लगातार जो बीजेपी के खिलाफ पार्टियां हैं उनके कह सकते हैं कि घरों पर, दफ्तरों पर लगातार ईडी की, सीबीआई की और तमाम इस तरह की एजेंसियों की छापेमारी होती रही। आपने जिक्र किया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ही सारा गुनाह, सारा कुछ कसूर किया है क्या? देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से एक के बाद एक, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के बड़े से बड़े नेता सलाखों के पीछे जा रहे हैं, वो अपने आप में सोचने वाला प्रश्न तो है ही। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद भी हैं और एक बड़े नेता हैं और बेबाक बोलते भी, उन्होंने आज जिस तरह से कहा कि जेल के जब उनको लेके जाया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया जा सकता है, पता नहीं वो किस लहजे में ये बात कह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि मेरा एनकाउंटर तक भी हो सकता है। तो ये इस तरह की बातें लगातार कही जा रही हैं। वहीं मनीष सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे दिल्ली के, उनको लेकर भी लगातार ये बात है कि उन्होंने 5 दिन की मोहलत मांगी थी कि भाई मुझे जमानत दी जाए, उसके बाद भी उनको इसी पर एक सवाल लेना चाहूंगी अमन जी, जैसे कि मैंने भी अभी आपको बताया कि 5 दिन की उन्होंने मोहलत मांगी थी लेकिन यहाँ 1 दिन की मोहलत उनको दी गई
गई है और एक दिन भी नहीं 10 बजे से लेकर 7 बजे तक। हाँ बिल्कुल, और यहाँ पर ईडी का कहना है कि हमने 5 दिन की मोहलत इसलिए यहाँ पर नहीं दी है ताकि सबूतों के साथ यहाँ पर छेड़छाड़ ना हो जाए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने वाली यहाँ पर बात है तो जिस व्यक्ति को सबूतों के साथ छेड़छाड़ करनी होती है तो वो तो 15 मिनट में भी छेड़छाड़ कर सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ घंटे रहकर तो वो बहुत कुछ कर सकता है। जी बिल्कुल, और ये देखिए दो तरफा बात नहीं होनी चाहिए, एक हमेशा जो नियम एक के लिए वो नियम दूसरे के लिए भी होना चाहिए, लेकिन कई बार इसमें जो अलग अलग डिफरेंस नजर आता है उसी को लेकर फिर सवाल उठना शुरू हो जाते हैं। और यही बात है कि लगातार जो मनीष सिसोदिया उनको आप देखिए कि फरवरी के बाद से लगातार सलाखों के पीछे रखा गया है, वहीं संजय सिंह की बात करें तो उनको भी लगभग महीने भर से ऊपर हो ही गया है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि ईडी के पास आखिर क्या ऐसे पुख्ता सबूत है, सीबीआई के पास ऐसे क्या पुख्ता सबूत हैं, और सबूत हैं तो वो निकल कर सामने क्यों नहीं आ रहे, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही उठ जाता है। लेकिन हाँ ये बात भी गौर करने वाली है कि जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि सबूतों के साथ अमन जी सबूत है भी या नहीं या ऐसे ही फालतू में फंसाया जा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा फरवरी से लेके अभी तक कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं यहाँ पर पेश किया गया, ये ईडी गुमराह तो नहीं कर रही है कोर्ट को। छापेमारी भी घर पे हुई, आप देखिए ना लगातार छापेमारी हुई, दबिश बनाई गई, उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन अभी भी कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है जिसके बिना पे ये कहा जाए कि भाई यहाँ मनीष सिसोदिया जो है पूरी तरह से गुनाहगार हैं, जिम्मेवार हैं। और देखिए हमारे यहाँ, मैं पहले भी कहता रहा हूँ आपसे, मेरी पहले ही बात हो रही थी कि हमारे यहाँ जो आरोपी को अपराधी साबित करने की जो होड़ है वो बहुत ज़्यादा है, चाहे मीडिया की बात करें या नेताओं की बात करें, क्योंकि एकदम से सब लोग उनको अपराधी साबित कर देते हैं। देखिए कोई भी जो पकड़ा जाता है वो आरोपी होता है, और अभी भी प्रोसेस में केस है तो हम उनको अपराधी तो घोषित नहीं कर सकते। और ऐसे में जबकि पत्नी की तबीयत खराब है तो शायद ये 2-4 दिन का जो है वक्त दिया जा सकता था, लेकिन देखिए वही है कि इस तरह का फैसला सामने आया, अदालत का कहने का सबको सम्मान करना पड़ता है। और लेकिन आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि हमारे साथ दोहरा रवैया कुल मिलाकर अपनाया जा रहा है। देखिए बहुत धन्यवाद अमन जी। तो यहाँ पर अमन जी का कहना है कि दोहरा रवैया यहाँ पर अपनाया जा रहा है। एक अगला सवाल मैं यहाँ पर अक्षय से लेना चाहूंगी कि आखिरकार यहाँ संजय सिंह ने जो पेशी के दौरान कहा, जैसे कि अभी अमन जी ने यहाँ पर बताया, और आज ही नहीं पिछली 2 पेशी में भी देखने को मिला कि संजय सिंह जैसे ही पेशी के दौरान बाहर आते हैं कोर्ट से, मीडिया कर्मियों को देखकर कैमरे के सामने, वो यहाँ पर पहली पेशी के दौरान देखा गया था कि उन्होंने पीएम मोदी और अडानी के रिश्तों को लेकर बात कही थी, और दूसरी पेशी के दौरान यहाँ पर वो ये कहते नजर आए थे कि पीएम मोदी जो है वो जनता के प्रधानमंत्री नहीं है, वो अडानी के प्रधानमंत्री हैं। और आज यहाँ पर देखने को मिला कि यहाँ संजय सिंह ये कहते नजर आए, अक्षय आपने देखा भी होगा कि वो वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, उसमें वो ये कहते नजर आए हैं कि जो केंद्र सरकार है या भाजपा है वो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को, उनकी पार्टी ही नहीं केजरीवाल को भी खत्म करना चाहती है, मतलब उन्होंने खुद को भी लेकर कहा था कि मेरा एनकाउंटर हो सकता है यहाँ पर, क्या वाकई में ऐसा होता नजर आ सकता है? देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, जिस तरह से दो ही कहीं ना कहीं बयान हैं यहाँ पर संजय सिंह के। पहला, जिस तरह से उन्होंने कुछ दिनों पहले कहा था अपनी पेशी के दौरान ही कोर्ट परिसर में मीडिया के सामने कि मेरा एनकाउंटर हो सकता है, उसके बाद आज जिस तरह से उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को भी अब यहाँ ईडी निशाना बनाने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर उस पिछले बयान की उनका जिक्र किया जाए, जिस तरह से यहाँ उन्होंने अपना पिछला बयान दिया था, उन्होंने ऐसे किया ना, तो जिस तरह से यहाँ पर संजय सिंह ने अपना पिछला बयान दिया था कि मेरा एनकाउंटर हो सकता है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक सहानुभूति प्राप्त करने वाला बयान था, क्योंकि देखिए हमें ये चीज़ समझनी होगी कि संजय सिंह इस समय न्यायिक हिरासत में है और कहीं ना कहीं कोर्ट के निगरानी में भी संजय सिंह इस समय है, तो कहीं ना कहीं पूरी अपडेट भी मुझे लगता है कि कोर्ट के पास पहुँचती है कि संजय सिंह के साथ इस समय क्या प्रक्रिया चल रही है, क्या स्थिति संजय सिंह की है। तो उस तरह का बयान मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने सहानुभूति को लेकर जाता, लेकिन जिस तरह से आज उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लेकर बयान दिया हमें उसका मतलब समझना होगा। जिस तरह से यहाँ अमन जी कहा कि संजय सिंह ने जिस तरह अरविंद केजरीवाल पर बयान दिया, तो इसका मतलब ये निकलता है कि जैसे हाल ही में यहाँ ईडी ने 30 अक्टूबर को समन जारी किया था अरविंद केजरीवाल को पेशी के लिए, 2 नवंबर को बुलाया था लेकिन वे पेश नहीं हुए थे, तो क्या मतलब ये निकल कर आ रहा है कि अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की ओर ईडी बढ़ सकती है, तो यही चीज यहाँ पर कुछ ना कुछ निकलकर सामने आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जैसे कि यहाँ अभी अक्षय ने बताया कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी यहाँ निशाना बनाया जा सकता है, खैर ईडी द्वारा तो यहाँ निशाना बनाया ही जा चुका है, लेकिन अब क्या यहाँ पर एनकाउंटर वाली जो बात यहाँ पर छिड़ रही है। नाजमीन से एक सवाल लेना चाहूंगी, अक्सर नाजमीन यहाँ पर संजय सिंह की जो खबर उनको कवर करती रहती है और नजर बनाए रखती है लगातार। नाजमीन, संजय सिंह को मुखर तरीके का नेता कहा जाता है, और आपने देखा भी होगा कि जिस दौरान संसद में उन्होंने ये मणिपुर वाला मुद्दा उठाया था, उसके बाद भी लगातार वो कई ऐसे मुद्दे उठाए जिसकी वजह से संसद में उनका बोलना यहाँ पर मना कर दिया गया था, और उसके बाद तो फिर उनकी गिरफ्तारी होती नजर आई।
कहीं इसी वजह से तो यहाँ पर निशाना नहीं बन रहे हैं संजय सिंह की, वो जो उनको बोलना होता है वो एकदम फेस टू फेस बोल देते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने जिस तरीके से कहा है वो बात भी यहाँ पर सही साबित होती है कि वैसे तो तमाम विपक्षी पार्टियों को अगर लेकर कहा जाए तो केंद्र सरकार पर हमलावर साबित रहती हैं। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो राहुल गांधी गौतम अडानी पर कई बड़े खुलासे करते हुए नजर आए हैं, यहाँ पर कई रिपोर्ट भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राहुल गांधी ने पेश की है। तो राहुल गांधी के बाद अगर देखा जाता है तो यहाँ पर संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता हैं जिन्होंने राज्यसभा के अंदर ये कहा था कि देश के प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं चाहते हैं, संसद के बाहर कुछ मिनट बोलकर क्या साबित करना चाहते हैं, क्या ये बोलकर मणिपुर की हिंसा शांत हो जाएगी, क्या मणिपुर की आग यहां पर बुझ जाएगी, नहीं। तो इसलिए उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि संसद के अंदर आइए, यहां पर बोलिए और उसके बाद मणिपुर की हिंसा कैसे शांत हो सकती है, मणिपुर जाइए, वहां पर जायजा लीजिए, पीड़ितों से मुलाकात कीजिए। तो ये बड़ी बुलंद आवाज से यहां पर संजय सिंह ने कही थी और यहां तक कि वो राज्यसभा में सभापति से लड़ते हुए भी नजर आ गए थे, जिसके बाद ऐसे देखा गया था कि उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है, राज्यसभा से सस्पेंड हो जाते हैं संजय सिंह। उसके बाद देखा जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कई बड़े खुलासे करते हुए देखे गए हैं। मणिपुर एक मुद्दा था, उस मुद्दे को उठाते हुए गौतम अडानी तक पहुंच जाते हैं संजय सिंह और गौतम अडानी के साथ साथ पीएम मोदी की डिग्री तक पहुंच जाती है पूरी आम आदमी। लेकिन नाज़मीन, यहां कितने नेताओं का मुंह बंद किया जाएगा, जो नेता यहां पर सवाल उठाते रहेंगे संसद के अंदर, क्या सभी नेताओं के मुंह पर चुप्पी लगा दी जाएगी या सबको ही जेल के अंदर डाल दिया जाएगा? देखिए, ये तो विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि केंद्र सरकार सिर्फ चुनावी दौरान यानी कि चुनाव शुरू हो जाता है, मतलब चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी के सारे नेता जेल से बाहर मिलेंगे। देखिए, ये हम नहीं कह सकते। यहाँ पर आप देखिए कि ये भी कहा जा रहा था कि दिवाली से पहले आम आदमी पार्टी के ये नेता जेल से बाहर पाए जाएंगे, लेकिन क्या देखा जाता है कि संजय सिंह को नहीं राहत मिलती है, न्यायिक हिरासत बढ़ा दी जाती है। तो ये पूरे मामले को अगर आप ये देखें कि चुनाव के दौरान ये सारी चीज़ें देखी ज़रूर जाती हैं और तमाम पार्टी जो सत्ता में होती है वो सत्ता का इस्तेमाल करती हुई ज़रूर नज़र आती है। आज केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी है तो अगर कोई दूसरी सरकार भी आएगी तो वो यही करती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर यह कहना कि सिर्फ विपक्ष पर हमला हो रहा है तो यह बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन जैसा देखा जाए कि यह भी कहा जा रहा था विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि चुनाव प्रचार के लिए सरकारी एजेंसियों को उतार दिया गया है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली, इन तमाम जगहों पर पहुंच रही है, तमाम राज्यों में पहुंच रही है, पश्चिम बंगाल में भी पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं इन इरादों के जरिए यही कहा जाता रहा है कि केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ सरकारी एजेंसियों का कठपुतली बनाकर इस्तेमाल कर रही है जो आम आदमी पार्टी पर अब शिकंजा कसती जा रही है। बहुत धन्यवाद नाज़मीन। तो यहाँ पर जैसे कि अभी आपने सुना कि नाज़मीन ने कहा कि विपक्ष की तरफ से ये कहना है कि जो केंद्र सरकार है वो यहाँ पर जांच एजेंसियों को कठपुतली बनाकर अपना काम करवाती नजर आ रही है। लेकिन अब यहाँ पर ये देखना है कि आखिरकार आम आदमी पार्टी के जितने नेता जेल के अंदर गए हैं वो कब तक यहाँ बाहर आएंगे, क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ पर ये कहना है कि चुनाव खत्म होते ही शराब घोटाले, मानहानि के जो मुकदमा है, ये सब रफा दफा होते यहाँ पर नजर आएंगे और आम आदमी पार्टी के नेता जेल से बाहर आएंगे। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।